अच्छा लगा यहाँ पे आके, थोड़ा रोड से शिकायतें और लैंग्वेज और खाना पीना, ये तीन चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू कम मिजोरम। सो देख लो गाइस, सड़क कैसी है, एक सुपर स्पोर्ट बाइक जिसमें कोई एडवेंचर टायर नहीं है। मेरे शूज देख लो, दोबारा नहीं आएगा ये मिजोरम में, कभी नहीं आएगा ये। अब दोबारा कभी नहीं आएगी ये बाइक मिजोरम में। मिजोरम में आकर पोर्क बीफ, अपार्ट फ्रॉम पोर्क एंड बीफ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं हाफ एन आवर पहले खोदंगसी से निकला था, अभी मैं नोपा पहुंच गया हूं। यहां पे ब्रेकफास्ट लूंगा, बाइक को थोड़ा वॉश करवाऊंगा, उसके बाद हम आइजोल के लिए निकलेंगे जो यहां से आई थिंक अराउंड 7 घंटे का रास्ता है। बट मुझे पता चला है कि रोड थोड़ा बेटर है पीछे से। लास्ट नाइट तो मुझे चुरा चांदपुर से खोदंगसी पहुंचने में 12 घंटे लग गए थे, 140 किलोमीटर था डिस्टेंस जो मैंने सिर्फ कवर किया था। बट यहाँ पे होपफुली कि मैं आज 7 घंटे में 210 किलोमीटर है आइजोल यहाँ से, तो मैं वो कवर कर दूँ। बाइक बहुत थक गई है, थोड़ा मैं आपको दिखाया था, ये पूरा एक कहते हैं ना कि इट्स अ फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे कोई हाईवे नहीं है, कोई प्रॉपर शॉप नहीं है, कोई ग्रॉसरी शॉप नहीं है, कोई मतलब इट्स टोटल सारा जंगल एरिया है। चलते हैं फिर नोपा और मार्केट में कुछ खाते हैं पीते हैं और बाइक को थोड़ा क्लीन करवाते हैं और पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि पेट्रोल अभी सिर्फ इसमें 40 किलोमीटर चल सकती है बाइक और आइजोल यहाँ से 200 किलोमीटर है। सो दैट्स इट गाइस, और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता रहूँगा, अभी के लिए इतना ही, टेक केयर। सो गाइस देखो कितना सुंदर टाउन है और इतना छोटा टाउन है नोपा, मतलब तो मज़ा आ गया देखकर। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel. ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, जाने ही दूर है। नहीं, मुझे किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, पर अच्छा होना चाहिए रास्ता। ये बोला अच्छा, ये अच्छा है, ये तो दूर भी है, दूर है। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे ये सजेस्ट करते हैं यहाँ से कुछ खाने को है आस पास, कोई शॉप रेस्टोरेंट है? खाना तो नहीं मिलेगा इधर से ना, इससे आगे कोई बस्ती में मिलेगा? नहीं यार, दुकान भी नहीं जगह है ना, प्रॉब्लम। तो आप मुझे सजेस्ट करते हो कि मैं यहाँ से जाऊँ? हाँ, इधर से जाके ना एकदम चलो होगा उधर ही, अगर मुझे इस साइड जाना है। दूसरा जगह नहीं है, उधर ही एक गांव मिलेगा, चलेगा उधर से, रास्ता साफ होगा ना, ये एकदम बड़े। सो गाइज, दिस इज द पेट्रोल पम्प विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज नोपा। इसके बाद आइजोल 180 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तब मैं समझता था कि लद्दाख में जो पेट्रोल पंप है टापी से लेकर ले तक, मतलब वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, नहीं, बट ये सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मुझे पड़ा है 390 किलोमीटर। चुरा चांदपुर से लेकर आइजोल तक सिर्फ एक यही पेट्रोल पम्प है जो भी आउट ऑफ 7 डेज आई थिंक 4 or 5 डेज ही वर्किंग होता है। सो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, इट्स अ वेरी रिमोट एरिया, इट्स अ नेशनल हाईवे आई थिंक 129 माइट बी, आई एम नॉट टू श्योर, मैंने पढ़ा था 129 और मे बी 29। सो सी, दिस इज़ द नेशनल हाईवे, सिर्फ 8 फुट का नेशनल हाईवे है ये, वो तो अच्छी बात है। आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर की वजह से सब कुछ बंद है, BRO भी काम नहीं कर रहा, NHAI भी काम नहीं कर रहा। सेल्फी लो, फोटो ले लो। हाँ, फोटो ले, इसका सेल्फी लो, बहुत हाई फाई है बाइक है ये। इसके ऊपर बैठो, हम फोटो खींचेगा आपका। दोबारा नहीं आएगा ये मिजोरम में? कभी नहीं आएगा ये। अब दोबारा कभी नहीं आएगी ये बाइक मिजोरम में? कोई लाएगा भी नहीं, इतना दाम का गाड़ी कौन लाएगा? पॉसिबल ही नहीं है साहब, इतना महंगी गाड़ी पे चढ़े 20 लाख रुपए गाड़ी बताएंगे? 20 लाख रुपए कम थोड़ी होती है, 10 लाख 12 लाख में साला 4 चक्का गाड़ी होता है। खींचेगा नाका तो बैठा, खींचेगा पूरा बैठाएगा इधर। किरो केलो रो। ओके गाइस, देखिए ये यार, रोड देखो आप कैसी है। Never really noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. What's up, guys? So, मैं पहुंच गया हूँ पोर्लंग, which is in Mizoram.
रास्ता आप खुद देख सकते हो, सिंगल वे है, 8 फुट का रास्ता है और आई थिंक 100 किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता मिलेगा मुझे। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है ऐसे रास्तों पे बाइक को लेकर, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी बाइक, पोर्ट होल्स बहुत है इस रास्ते पे। दूसरी बात है, सबसे मेन जो इश्यूज है वो है लैंग्वेज का। यहाँ पे इन्हें इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी है बोलना नहीं चाहते, इनसे पूछता मैं हिंदी इंग्लिश तो ये बोलते हैं नो हिंदी नो इंग्लिश लाइक दिस। सो चलो सबकी अपनी अपनी वो है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं कुछ उन्हें फोर्स नहीं कर सकता कि हिंदी बोलो, बट लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है मणिपुर में। हाँ, लॉट ऑफ पीपल स्पीक हिंदी, नागालैंड में तो बहुत ही लोग हिंदी बोलते हैं, बट मिजोरम में तो बस दे डोंट वांट टू स्पीक हिंदी एंड पीपल हियर दे डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलो जो भी है मैनेज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छे व्यूज़ चाहिए, कहीं ना कहीं सड़क से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सड़क अच्छी होगी तो व्यूज़ अच्छे नहीं होंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग। अभी चलते हैं पॉर्लिंग, वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और बस फिर निकलते हैं आइजोल। आई होप कि मैं आज आइजोल पहुँच जाऊँ। सो हम पहुँच गए हैं फाउलरैंग विलेज, बहुत ही सुंदर है, कितना साइलेंट प्लेस है, यहाँ पे हवा के अलावा और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही। लुक एट दिस ब्यूटीफुल विलेज, मतलब बहुत ही सुंदर है यार, अमेजिंग। अभी हमने फाउलरैंग क्रॉस कर दिया है, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था रुकने का और बहुत ही शांत जगह है, मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी शोर शराबा, अमेजिंग। थोड़ा आप खुद देखो कितना शांत है, मतलब विलेज भी क्रॉस करा था आज, एक तो न्यू ईयर है तो मैं वहाँ रुकना नहीं चाह रहा था क्योंकि विलेज में थोड़ा भीड़ थी, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे फेस्टिव सीजन है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, अपना यहाँ के लोग टेंशन कम देते हैं, अच्छा लगा यहाँ पे आके। थोड़ा रोड से शिकायत है और लैंग्वेज और खाना पीना, ये तीन चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू कम मिजोरम। सेम केसेस विद मणिपुर, नागालैंड में सब नॉर्मल है, नागालैंड में आपको प्रॉपर फूड मिलेगा, देसी खाना मिलेगा, दाल रोटी चावल सब मिलेगा। मिजोरम में आकर पोर्क बीफ, अपार्ट फ्रॉम पोर्क एंड बीफ ले और कुछ खाती नहीं है। सो एनीवेज इनकी खुद का खाना है, हम क्या बोल सकते हैं। तो मेरे हाथ पैर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन और सूरज की रिफ्लेक्शन की वजह से मैं कैमरे में कम अपनी शक्ल ज़्यादा देख रहा हूँ, बट स्टिल अच्छा लगा। 140 किलोमीटर अभी और है आइजोल, एक जगह आएगी आगे जिसका नाम है साइथोल, उसके बाद हो सकता है कि मुझे हाईवे मिल जाए प्रॉपर, हो सकता है, बट अभी 12 बज रहे हैं, ट्राई करूँगा कि 6 बजे तक आइजोल आराम से पहुँच जाऊँ। सो टेक केयर गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been. So guys, मैंने साइथोल क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ से आइजोल है 3 घंटे का रास्ता, जो कि 75-80 किलोमीटर दूर है। So लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए यहाँ पे हायाबुसा को देख के, मुझे पता नहीं था इतना क्रेज़ है यहाँ पे, मतलब पागल हो गए। फोटो ऐसे खिंचवा रहे हैं, वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उनकी कम्युनिटी में था एंड यू नो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना। तो बस रास्ता बोल रहे हैं अच्छा है, 2.5 घंटे का रास्ता है आई थिंक, और 70 किलोमीटर है। तो चलो चलो फिर चलते हैं और अपना मिलते हैं फिर आप लोगों से आइजोल में। ऐसे यहाँ के लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल यू नो ये क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉस, जीसस। I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. सड़क देख लो यार कैसी है, पूरा खराब कर रखा है सड़क इन्होंने, बाइक भी इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है ना, बहुत ही ज़्यादा। शक्ल दिखाता हूँ आप सबको, बहुत थक चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा, बाइक भी बहुत थक चुकी है, मुझे पता है मैं बाइक चला रहा हूँ, पहले गियर और दूसरे गियर, बस पहला दूसरा इन्हीं में बाइक चल रही है। सो देख लो गाइस सड़क कैसी है, एक सुपर स्पोर्ट बाइक जिसमें कोई एडवेंचर टायर नहीं है, आप उसकी हालत देख लो, मतलब कैसे सड़क पे चल रही है, मेरे शूज देख लो। पूरी रोड ऐसी है, परेशान हो गया मैं बहुत ज्यादा। चलो
एक छोटा विलेज है मिजोरम में जो आइजोल से 3 या 4 विलेज पहले पड़ता है। 40 किलोमीटर है यहाँ से आइजोल, काफ़ी रिमोट एरिया और आइसोलेटेड प्लेस है। तो बस अभी आइजोल आने में 1 या 1.5 घंटा रह गया है। बाइक बहुत ज़्यादा हीट हो गई है बिकॉज फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर पर चल रही है बाइक और कोई गियर मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ। ट्राई करते हैं कि आगे होपफुली अच्छी सड़क मिल जाए तो जल्दी आइजोल पहुँच के बाइक को भी रेस्ट दूंगा और अपने आप को भी रेस्ट दूंगा। 4:30 बज गए हैं और यहाँ पे सनसेट होने ही वाला है। रोड कंडीशन देख लो, अभी यहाँ से आइजोल है 29 किलोमीटर। ये एक छोटा विलेज है, यहाँ पे ऐसे होते हैं घर देख रहे हो आप, मतलब बैम्बू के इनका जो पिलर होगा वो प्योर बैम्बू का होता है, उनके ऊपर इन्होंने घर बना रखे होते हैं अपने। आइजोल पहुँच जाएंगे, रेस्ट करना है आइजोल जाके, कुछ नहीं करना, कोई बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं घूमना, सिर्फ रेस्ट करना है। You get burned.